हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और जिन्होंने कि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जैसे कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसका सिलेबस में GS, हिंदी, रीजनिंग होगा, लेकिन उससे बिल्कुल अलग हट कर रहे हो। जो भी सिलेबस आपका बिल्कुल जो ANM का सिलेबस होता है, ठीक है, ANM का सिलेबस होता है, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस रखा गया है। तो आप लोगों को इस चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो ANM जो ANM और स्टाफ नर्स की जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं या उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाते हैं उन्हीं से जुड़कर आप लोगों को फ़ायदा होगा काफ़ी से। तो इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा, ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसका परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाशित किया गया है, ये डेट आप देख लीजिए, 31 अगस्त 2022 की, यानी आज की ये डेट है और आज ही पब्लिश किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और टाइम होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, और अगर बात करें निगेटिव मार्किंग के तो 1/4 होगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन सही में से काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब इस पे आ जाते हैं सिलेबस पे, क्या सिलेबस है इसमें। सबसे पहला, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। और नंबर 3 है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। और 4 है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। नंबर 5 है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। और 6 है आपका सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। 7 है ऊर्जा, बेसल, उपापचय। और 8 है आपका संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। और 9 है आपका भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, अनेक स्रोत, कार्य आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग। और 10 है गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। 13 है जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची, रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमिलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। और आपका परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता और तकनीक, प्रभावी संचार और उसके कौशल, स्वास्थ्य एजेंसियां, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात और टीकाकरण। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का रहा सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस। तो जैसा कि सभी यूट्यूब चैनल्स या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सभी पे बताया जा रहा था कि आपका सिलेबस हिंदी और रीजनिंग और आपका GS रहेगा, और बहुत सारे लोगों ने वैसे जो क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब सभी को अपनी रणनीति बदलनी होगी। और आप लोगों को जो बेसिकली अभी अगर कोई बुक नहीं आई है तो आप जो ANM की कोई बुक है, जबकि UPSC ANM का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइप की अगर कोई बुक हो तो उससे आप लोग अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों का जो
जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन में जो ये सिलेबस है ये तो पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से बुक लेनी होगी। और जो लोग किसी पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, प्रिपरेशन वाली जो भी पैरामेडिकल प्रिपरेशन कराते हैं, तो उनसे अगर आप जुड़े जुड़े हो तो आप लोगों को उसका काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस हैं। मेरे चैनल पे भी 600 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जो जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप लोग उस पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, और आप लोग इससे तैयारी कर इसमें आप सफलता अर्जित कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो डिटेल पूरा है आपका, जो भी मैंने इसको बताया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है और कौन से बुक की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और उसके बेसिस पे आप लोग अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पैरामेडिकल का जो भी सिलेबस रहता है, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस आप लोगों के लिए रखा गया है। तो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों के लिए आपकी जो लूसेंट बुक है उसमें से जो बायो का पोर्शन है यानी बायोलॉजी का, उसमें कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे 17 नंबर टॉपिक है रोग, तो इसमें जितने भी डिजीज़ दिए गए हैं तो उसके कारण, लक्षण और इलाज से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको लूसेंट बुक में बायोलॉजी के जो पार्ट है उसमें ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। और जो आपका वैक्सीनेशन है इसके लिए आपको अलग से या इंटरनेट पे आप लोग सर्च करके देख सकते हो, और जो भोजन के आवश्यक घटक हैं 9th नंबर, ये भी आप जो लूसेंट की बुक है उसमें भी आप लोग बायो वाले पोर्शन में, बायोलॉजी वाले जीव विज्ञान वाले पोर्शन में ये टॉपिक भी आप अच्छे से दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए जो है मार्केट में जल्दी से बुक पब्लिशर ज़रूर इस चीज़ को पब्लिश करेंगे इस टाइप की बुक, क्योंकि पहले इस टाइप का किसी को सिलेबस का अंदाज़ा नहीं था, और जब ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर हो गया है तभी इस टाइप की बुक आ पाएगी मार्केट में। ठीक है, कुछ स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, ये भी आपको किसी जनरल स्टडीज़ के बुक से आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ टॉपिक कॉमन है जो आप लोग अगर सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हो उससे भी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारा अपडेट आप लोगों के लिए रहा। फ्रेंड्स, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है द ज्ञान पेजेस, इसमें जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं या जो न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या फैक्ट्स चैनल हैं, चाहे मेडिकल फैक्ट्स हो, साइंस फैक्ट्स हो, तो उस पर आपको देखने को मिलेंगे, और उसको आप सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे नए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।